व्यूअर्स वेलकम टू अ न्यू वीडियो। करनी है कि आप जितनी विंडोज़ पॉसिबल हो वेंटिलेशन के लिए आपने देनी है अपने रूम्स में। तो दोस्तों लिविंग रूम में अगर आप देखें सामने आपको एक डोर नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये डोर दोस्तों घर के अंदर वाले पार्ट में मास्टर बेडरूम्स और टॉयलेट्स वगैरह की तरफ जाने के लिए, तो इस डोर से हम अंदर एंटर होते हैं। तो दोस्तों इस तरफ अंदर आते ही आपको यहाँ पर एक डाइनिंग एरिया मिलेगा जहाँ पर आप अपने डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं, अपने घर वालों के साथ बैठ सकते हैं, खाना वगैरह यहाँ पर खा सकते हैं। दोस्तों इस जगह की चौड़ाई तकरीबन 4.5 फीट होगी जबकि दोस्तों 8 फीट इस जगह की लंबाई है। आपका फ्रिज भी यहीं पर ईजिली आ जाएगा, सेट हो जाएगा इस जगह में। दोस्तों थोड़ा सा पीछे आते हैं तो आपको इस जगह में लेफ्ट साइड पर यहाँ पर ये जो जाली वाला डोर नज़र आ रहा है ये किचन का डोर है 2.5 फीट का, इसमें एंटर होते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दोस्तों 3.5 फीट चौड़ाई और दोस्तों 9.5 फीट लंबाई का किचन मिल रहा है। इसमें दोस्तों आपका वॉश बेसन, आपके चूल्हे, आपकी अलमारियाँ वगैरह इजीली एडजस्ट हो जाएंगी। अच्छा बड़ा साइज़ है दोस्तों छोटे से प्लॉट के लिए किचन का। इसी में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है किचन में कि जब किचन में खाना वगैरह पके तो उसकी स्मेल और स्मोक घर के अंदर ना फैले, उसको बाहर एग्जॉस्ट करने के लिए आपने कोई भी वेंटिलेटर, रोशनदान या फिर विंडो लगानी है। तो हमने दोस्तों क्योंकि इस तरफ बाकी साइड्स पर किसी और के घर हैं यहाँ पर और बाकी साइड पर, तो हमने विंडो के लिए दोस्तों यहाँ पर एक OTS रखा है तकरीबन 3.5 बाय 4 फीट का, जिसके थ्रू एक यहाँ पर वेंटिलेटर लग जाएगा, रोशनदान लग जाएगा, तो किचन की स्मेल और स्मोक बाहर एग्जॉस्ट होगी, घर के अंदर नहीं आएगी, प्लस लाइट भी आती रहेगी इसके थ्रू किचन के अंदर। तो दोस्तों अब हम किचन से बाहर आते हैं तो आपको दोस्तों किचन के डोर के बिल्कुल साथ ही जो यहाँ पर एक डोर नज़र आ रहा है ये हमारे मास्टर बेडरूम का है दोस्तों, घर का मास्टर बेडरूम है। इसमें एंटर होते हैं तो दोस्तों आपको 9.5 फीट चौड़ाई और 12 फीट लंबाई का मास्टर बेडरूम मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर इसमें आपका इस जगह में आपका बेड इजीली आ जाएगा, इसके सामने आप यहाँ पर अलमारी रख सकते हैं, साथ में कंप्यूटर टेबल और ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह इसमें आपकी इजीली एडजस्ट हो जाएंगी। दोस्तों रूम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेंटिलेशन, यानी कि रूम में ताज़ा हवा और रोशनी आनी चाहिए, उसके लिए आपके अपने
पूरी कोशिश करनी है कि कोई ना कोई विंडो दें आप। तो इस केस में भी हमारे पास दोस्तों बाकी साइड्स पर किसी और के घर हैं, यहाँ भी किसी और का घर है, इस तरफ भी, तो हम इस तरफ कोई विंडोज़ नहीं दे सकते। तो दोस्तों हमने जो OTS यहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर छत नहीं होगा, तो उसके थ्रू एक विंडो यहाँ पर लग जाएगी तकरीबन 4 फीट की, और इसके थ्रू दोस्तों रूम के अंदर नेचुरल लाइट और एयर आती रहेगी, वेंटिलेशन अच्छे से हो सकेगी। तो दोस्तों ये था मास्टर बेडरूम। अब फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए दोस्तों हम इस बेडरूम से जैसे ही बाहर आएंगे तो आपको इस जगह में, यहाँ पर स्टेयर मिलेंगी इस जगह में, ताकि फर्स्ट फ्लोर पर भी 2 बेडरूम्स बनेंगे, तो उस तक जाने के लिए आपकी यही स्टेयर यूज होंगी। वहाँ पर एक TV लॉन्च भी होगा, प्लस एक टेरेस भी होगा, तो घर के अंदर की तरफ से ही स्टेयर्स हैं। प्लस स्टेयर्स के नीचे आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा दोस्तों, आप अपनी छोटी छोटी अलमारियाँ यहाँ पर लगा सकते हैं, अपना स्टोरेज वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। स्टेयर्स से थोड़ा सा दोस्तों हम इस तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों मेन डोर के साथ जो यहाँ पर छोटा सा डोर नज़र आ रहा है, ये घर के कॉमन टॉयलेट का है। इसमें दोस्तों एंटर होते हैं तो आपको तकरीबन 4.5 फीट लंबाई और 6 फीट चौड़ाई का किचन टॉयलेट मिलेगा कॉमन, और दोस्तों इसमें आपके शॉवर्स, आपका वॉश बेसन, टॉयलेट सीट्स वगैरह इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। प्लस दोस्तों आपने टॉयलेट में भी हमेशा याद रखना है कि टॉयलेट की स्मेल वगैरह घर के अंदर ना फैले, उसको एग्जॉस्ट करने के लिए कोई रोशनदान होना चाहिए। तो दोस्तों हमने पोर्च वाली साइड पर यहाँ पर एक रोशनदान दिया है इस जगह में, ताकि इसके थ्रू टॉयलेट की स्मेल वगैरह बाहर एग्जॉस्ट हो, प्लस उसमें नेचुरल लाइट भी आनी चाहिए। दोस्तों आप अपने घर का सेप्टिक टैंक यहाँ पर बना सकते हैं गेट के पास इस जगह में, ताकि जो घर का पानी वगैरह है किचन वगैरह और टॉयलेट का, वो घर के बाहर निकलता रहे। तो आप इस जगह में सेप्टिक टैंक बनाएंगे, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था 14x35 फीट के प्लॉट के लिए नक्शा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कोई मिस्टेक नज़र आती है तो वो भी बताएं। दोस्तों मैं आपको किसी और वीडियो में मिलूँगा, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।